हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की टेस्ट सीरीज के पार्ट फोर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं सीधे ही क्वेश्चंस की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एन ओनर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर का जो ओनर होता है उसे कौन से राइट दिए जाते हैं? वोटिंग राइट्स, फिक्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स, वोटिंग राइट्स एंड अनलिमिटेड डिविडेंड इनकम, या फिर नो गारंटीड राइट्स। चलिए, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिक्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स। दोस्तों, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कंपनी के होल्ड करके रखे हुए हैं तो कंपनी जब भी अपना टैक्स वगैरह लायबिलिटी कंप्लीट करेगी और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट में से उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए आपका आंसर रहेगा फिक्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। चलिए, आगे का क्वेश्चन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाय। अगर मार्केट प्राइस जो भी चल रही है पर्टिकुलर स्टॉक की या शेयर की, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसके आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ, तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। तो आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी हम ऑप्शन देख सकते हैं। R10 है फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर और डिविडेंड यील्ड। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आंसर क्या होना चाहिए। आंसर है आपका सी, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जो भी करंट मार्केट वैल्यू होगी और आउटस्टैंडिंग जो शेयर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो भी पर्टिकुलर शेयर है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आ जाएगा। तो यहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए, आगे का क्वेश्चन है, द प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो जिसे बोलते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ अ कंपनीज एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, कौन सी चीज यूज करके आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो? पहला ऑप्शन है मार्केट प्राइस एंड डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड डिविडेंड, और चौथा ऑप्शन है मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू। तो दोस्तों, जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही वो इंडिकेट हो रहा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो, तो वो क्या होगा, कंपनी जो भी अर्न करती है उसके सामने कंपनी की प्राइस कितने गुनी ज्यादा है या कितना गुनी कम है, उसे ही पी रेशियो बोलते हैं। ओके, तो वहां पे प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस, और अर्निंग क्या रहेगा, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर, ऑप्शन बी। चलिए, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, अ कंपनी हुज अर्निंग्स आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज। क्या वो इकोनॉमी स्टॉक बोला जाएगा, क्या वो साइक्लिकल स्टॉक बोला जाएगा, या फिर वैल्यू स्टॉक बोला जाएगा, या फिर ग्रोथ स्टॉक बोला जाएगा? तो यहाँ पे आंसर रहेगा साइक्लिकल स्टॉक्स, तो वो होगा ऑप्शन बी। चलिए, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, अ ग्रोथ स्टॉक रिफर्स टू शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज अर्निंग्स आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ नॉर्मल मार्केट रेट्स। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस गलत है। देखिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ ग्रोथ स्टॉक रिफर टू शेयर ऑफ अ कंपनी हुज अर्निंग्स आर प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ एट द नॉर्मल मार्केट रेट्स। अगर नॉर्मल मार्केट रेट से ही स्टॉक को आगे बढ़ना है तो फिर उसे ग्रोथ स्टॉक क्यों बोला जाएगा? ग्रोथ स्टॉक तो वो होगा कि जो उसका जो भी इंडेक्स होगा वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा, नॉर्मल मार्केट रेट को आउट परफॉर्म करेगा, तभी उसे ग्रोथ स्टॉक बोला जाएगा। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फॉल्स। चलिए, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू फॉर ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक के लिए नीचे में से कौन सा सही है? स्टीडी कैपिटल एप्रिसिएशन एंड स्टीडी डिविडेंड यील्ड्स, हाई कैपिटल एप्रिसिएशन एंड हाई डिविडेंड यील्ड्स, हाई कैपिटल एप्रिसिएशन बट लो डिविडेंड यील्ड्स, स्टीडी कैपिटल एप्रिसिएशन बट हाई डिविडेंड यील्ड्स। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हाई कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स आपकी कैपिटल को तो वो बढ़ाएगा बट डिविडेंड सामने बढ़ेगा नहीं, उसे ही ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो ग्रोथ स्टॉक ज़्यादातर उनके पास जो भी अमाउंट प्रॉफिटेबल अमाउंट होती है वो प्रॉफिटेबल अमाउंट वो
शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं करते हैं लेकिन कंपनी की ग्रोथ में ही लगाते हैं, तो इसी वजह से वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा, मीन स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन डिविडेंड वहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाए, इसीलिए इसे ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। शेयर्स ऑफ कंपनीज विथ लार्ज कैपिटल मार्केट हैव ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल आर मोर लिक्विड आर नॉट अवेलेबल नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर मोर लिक्विड। शेयर्स ऑफ कंपनीज विद लार्ज कैपिटल मीन्स जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है वो ज्यादा लिक्विड होगे, मीन्स उसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी, अप डाउन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और सिंपली उसे ही मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं लिक्विड। तो आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। डिविडेंड यील्ड फॉर अ स्टॉक इज डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर फेस वैल्यू, डिविडेंड पर टू करंट मार्केट प्राइस, या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिविडेंड पर शेयर टू करंट मार्केट प्राइस, मींस करंट जो मार्केट प्राइस है उसके सामने आपको डिविडेंड कितना मिलता है, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। ओके, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है वैल्यू स्टॉक्स, अभी इसको कंप्लीट करना है। वैल्यू स्टॉक क्या, वैल्यू स्टॉक्स हैव हाई करंट डिविडेंड यील्ड, यील्ड हाई ग्रोथ इन अर्निंग्स, आर करंटली अंडर वैल्यूड, नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हैव हाई करंट डिविडेंड यील्ड। वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जिसका डिविडेंड यील्ड हाई होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और वो है अ बेटर परफॉर्मेंस देन द रिटर्न ऑन इंडेक्स इज गिवन बाय, इंडेक्स का जो रिटर्न होता है उससे अच्छा परफॉर्मेंस कौन देता है? पैसिव फंड मैनेजर, एक्टिव फंड मैनेजर, ऑल फंड मैनेजर्स, या फिर नन फंड मैनेजर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, एन एक्टिव फंड मैनेजर। तो वो वाले केस में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।